कुछ इनोवेटिव मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरा खुद का इनोवेशन है, मैंने काफ़ी वर्षों तक ये होम्योपैथी फेशियल किया है और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको भी बता दूँ। बहुत अच्छी जानकारी है और आप इसे अंत तक देखिए। अगर आपके इसके सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मैंने आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। इसके लिए हमने लिया है मड पैक है, बेक्सन्स का आता है ये होम्योपैथी, बेक्सन्स एक कंपनी है होम्योपैथी की, जिसका मड पैक आता है फोर ऑयली स्किन, ये देखिए आप, और ये आप देख लीजिए ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। सबसे अच्छी इसकी खास बात है सनी हर्बल्स का आता है, हाँ बहुत ही मुझे अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। तो ये है हमारा मड पैक। इसके बाद मैंने लिया है फेस स्क्रब, फेस स्क्रब जो है ये भी सनी हर्बल्स का है, बेक्सन्स बोलते हैं इसको, और ये वाली एक क्रीम आती है मल्टीपर्पज़, ये वाली मल्टीपर्पज़ क्रीम ली है। और ये जो फेशियल होता है इसके सामने महंगे से महंगे फेशियल भी मैंने यूज़ जो किए हैं वो भी मैं आपको कभी अपने वीडियोस में दिखा दूँगी, जिसमें हमने एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और O3 प्लस का भी फेशियल किया था। तो उसके मुकाबले इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी 50% अच्छा मुझे मिला है। इसके लिए मैंने ये आप देखिए एक कैलेंडुला क्यू आती है, मदर टिंचर जो होता है कैलेंडुला का, और आनिका मोंटाना 200 और बर्बेरिस एक्विफोलियम 200, साथ ही ये वाला कोकोनट ऑयल जो हमारे स्टेप्स में काम आएगा। ये कहाँ पर काम आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। ये वाला जो कोकोनट ऑयल है इसकी ये खास बात है कि ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है और एडिबल भी है, तो मुझे ये बेस्ट कोकोनट ऑयल लगता है इसलिए मैंने ये वाला लिया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। और ये वाला बादाम रोगन लिया है, इसमें भी आप अपनी मनपसंद कोई भी ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का बादाम रोगन लिया है। और आपको चाहिए होगा गुलाब जल, मैंने गुलाब जल जो लिया है ये हल्दी घाटी में स्पेशली बनता है और चैत्री गुलाब का आप देख रहे हैं, चैत्री गुलाब वाला मुझे इसके रिजल्ट्स बेस्ट मिले हैं। ये आप देखिए हल्दी घाटी का बना हुआ है और मैंने ये वाला लिया है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का गुलाब जल जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं और ये वाले जो नाम हैं ये आपको ऐसे ही लेने होंगे, आनिका और ये सब बर्बेरिस एक्विफोलियम। अब मैं आपको इसके स्टेप्स बता रही हूँ कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। जो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम सबसे पहले ये वाले गुलाब जल से थोड़ा स्किन को साफ़ करके फिर हम बाकी के सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप में जो हमने यूज़ किया था बर्बेरिस एक्विफोलियम को एक चम्मच नारियल तेल में मिला करके इसकी हमने 5 बूंद मिलाई थी, आप फिर से सुन लीजिए, 5 बूंद ये वाला और 1 चम्मच पिघला हुआ नारियल का तेल मिक्स करके उसे 5 मिनट तक अप्लाई करना है गीली कॉटन से, वेट की हुई कॉटन होती है रुई जो होती है उससे हमने फेस को हल्के हाथों से क्लीन कर लिया। ये हमारा हुआ पहला स्टेप, एक तरह से क्लीनिंग वाला स्टेप माने तो ये दूसरा स्टेप है। तो फिर सेकंड पे हमने ये किया। अब मैं इसको एक साइड रख देती हूँ। उसके बाद जो हमने स्टेप यूज़ किया है वो है ये वाली जो क्रीम है, ये वाली क्रीम का हमने फेस मसाज किया 7 से 10 मिनट्स तक। ये भी हल्के हाथों से जो फेशियल के स्टेप्स होते हैं वो आपको पता भी है। अभी मैं केवल आपको जो प्रोडक्ट्स मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं वही बता रही हूँ। वैसे आप इसे क्लॉकवाइज हल्के हल्के हाथों से मसाज करके और फिर इसे 10 मिनट बाद गीले कॉटन से इसे भी साफ़ करना है। आप चाहें तो इसे गुलाब जल की गीली कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। जब ये वाली क्रीम हमने साफ़ कर ली, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद हमने यूज़ किया है ये वाला जो ऑयल है, ये आप देख सकते हैं
बादाम रोगन में हमने इन दोनों की, ये वाली दोनों मेडिसिन आप पास से देख लीजिए, ये देखिए आर्निका मोंटाना और कैलेंडुला, इसमें से भी हमने 5 ड्रॉप्स ली हैं और इसमें से भी मैंने 5 ड्रॉप्स लेकर के इन्हें इस वाले ऑयल में 1 चम्मच मिलाया। इन दोनों के 5-5 बूंद इसमें 1 चम्मच तेल में मिला करके अच्छे से उसका फाइन पेस्ट बना करके उसे भी हल्के हाथों से फेस पर मसाज करके और गुलाब जल की गीली कॉटन से हम पोंछ देते हैं। तो ये हमारा एक अलग से स्टेप हो गया। इसके बाद हमने यूज़ किया, ये देखिए ये होता है फेस स्क्रब। स्क्रब में ये सूख चुका है क्योंकि काफ़ी वर्षों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सूख जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ना ये ख़राब होता है। तो इसमें हम गुलाब जल मिक्स करके इसे गीला कर लेंगे और ये भी फाइन पेस्ट बन जाएगा। फिर हल्के हाथों से इससे हमने डेड स्किन उतारी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार फिर से ये वाली क्रीम की मसाज ले सकते हैं। ये भी 5 मिनट तक इसे स्क्रब करना है, इससे सारी डेड स्किन बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो ये वाली फिर से रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है मड पैक। मड पैक का भी एक फाइन पेस्ट लगा करके स्किन पे लगा करके छोड़ना होता है, इसे बिल्कुल भी रब नहीं करना होता है। और इसका ये जो स्टेप होता है इसमें भी फाइन पेस्ट हम अपने फेस पर हल्के हाथों से एक परत जमा लेते हैं और लगभग 10 मिनट बाद ये बिल्कुल सूख जाता है। इस दौरान आपको बोलना नहीं होता है क्योंकि अगर आप बोलेंगे, अगर आपने मड पैक लगाया है और आप बोलेंगे तो आपकी स्किन पर निश्चित रूप से झुर्रियाँ आएंगी ही आएंगी। जो फेस की स्किन है उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो आप उस टाइम पे बिल्कुल भी बोले ना, ये ज़रूर ध्यान रखें कि बोलना नहीं होता है। उसके बाद आप इसे भी ये गुलाब जल वाली जो हमारी गीली कॉटन है उससे साफ कर देंगे। आप छोटे छोटे कॉटन बॉल्स आते हैं मार्केट में, तो छोटे बॉल्स ले लीजिए कॉटन के, बॉल से आप ये सारी प्रोसेस जो है अगर अप्लाई करते हैं फेस पर तो ये आपका बहुत ही अच्छा फेशियल जो है एक बन जाता है। तो ये हमारा जो है एक लास्ट, एक तरह से लास्ट स्टेप होता है, बट इसको फिर गुनगुने पानी से क्लीन करने के बाद, गुलाब जल से क्लीन करने के बाद जो हमारा फेशियल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपनी कोई भी आप होम्योपैथिक क्रीम लगा लीजिए। उसमें हम लोग ग्लो केयर भी यूज़ कर लेते हैं, एंजेल ग्लॉस भी, दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं हैं इनके। एक कमेंट में मुझे कहा गया था कि मैंने इसकी 3 क्रीम्स यूज़ की हैं तो मुझे इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। देखिए इनमें कोई केमिकल नहीं होता है, मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ, इनका कोई इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आता है, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आता है वो परफेक्ट आता है और लॉन्ग टर्म के लिए आता है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसके बाद हमने ये अप्लाई कर लिया। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस फेशियल को करने के बाद 2-3 दिन तक फेस को धूप से बचाना ज़रूरी है, तो आपका पूरा फुल ग्लो जो इसमें आ जाएगा, अगर शादी है या कोई फंक्शन वगैरह है तो उससे पहले आप ये 3 दिन, इस फेशियल को 3 दिन पहले करें तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इससे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको समय समय पर होम्योपैथी या स्किन से या कोई भी अन्य जानकारी अपने चैनल पर देती रहती हूँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा इनोवेटिव फार्मूला जो स्किन के लिए मैंने यूज़ किया है, खुद यूज़ किया है, ये किसी कंपनी के लिए स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप इसे यूज़ कीजिए, करके देखिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपके तो आप पूछ सकते हैं।